वेलकम फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि एक्सीडेंट के बाद भी अगर आपको गाड़ी का क्लेम ना मिले तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इनके कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी फिर डैमेजेस हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर FIR दर्ज होती है तो व्यक्ति का मेडिकल होता ही होता है। ऐसे में ये साबित हो जाता है कि आपने शराब पी है, तब आपको क्लेम नहीं मिलता है, दूसरे व्यक्ति को तो मिलता है जिसकी गाड़ी को आपने ठोका है। इसका दूसरा कारण ये है कि ओवरलोडेड गाड़ी में अगर आप चलाते हैं, जैसे कि किसी भी गाड़ी में 5 सीटें हैं और आपने गाड़ी में 5 से ज़्यादा लोगों को बिठाया है, ऐसे में अगर गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचता है तब भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी को चला रहे हैं, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर आप जानबूझकर गाड़ी को ठोक देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गाड़ी में थोड़ा सा डैमेजेस हुआ, लेकिन गाड़ी का मालिक जो गाड़ी में पुराने डेंट थे उसको भी दोबारा ठोक कर जानबूझकर उसको नया बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भी सर्वेयर आ जाते हैं और पता लग जाता है कि पुराने डेंट को नया करने की कोशिश की है। ऐसे में आपका ओरिजिनल क्लेम भी पास नहीं होता, जो कि अभी अभी आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ था। या फिर आप इलीगल वर्क कर रहे हो, जैसे कि व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल चरस, गांजा या फिर इलीगल वेपन लेकर जा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हो और गाड़ी को कोई डैमेजेस होता है, तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप हमेशा ऑन रखिए, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।